पिछले सेशन में हमने एक्सेल की कुछ बेसिक बातें जानी थी। हमने जाना था कि सेल क्या होता है, रॉ कॉलम क्या होते हैं, इसमें डेटा को फीड कैसे करते हैं। आज हम जानेंगे कि एक्सेल में अगर कोई टेबल हमने बनाई है या कोई भी हमने इसमें डेटा फीड किया है, उसका हम प्रिंट कैसे निकालेंगे और उसका पेज सेटअप कैसे करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। हमने यहाँ पर हिंदी में काम किया है। यहाँ पर आप कुर्तिदेव या और भी कोई हिंदी का फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर गूगल हिंदी इनपुट से हिंदी टाइप की है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। अगर आप किसी को ये फाइल भेजते हैं तो उसको फॉन्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये यूनिकोड फॉन्ट है। हम आगे चलते हैं। हम इस पर सबसे पहले बॉर्डर लगाना सीखते हैं। आपने अगर कोई टेबल बनाई है तो उस पर हम बॉर्डर कैसे लगाते हैं, इसके बाद हम इसका पेज सेटअप भी करेंगे। आप टेबल को शुरू से और लास्ट तक सेलेक्ट कर लीजिए। आप फॉन्ट वाले बार में जाइए। यहाँ पर आपको एक बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस टेबल को खोल लीजिए। यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दीजिए। आपकी सारी टेबल पर एक साथ बॉर्डर लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको हम प्रिंट निकालेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। प्रिंट निकालने के लिए आप ऑफिस बटन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन आपको दिखाई देगा। प्रिंट ऑप्शन में आपको तीन ऑप्शन और दिखाई देंगे, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट निकालने से पहले आप हमेशा ये चेक करिए कि प्रिंट प्रीव्यू में आपका पेज किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका पेज दिखाई दे जाएगा जैसा वो प्रिंटर से निकलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी बनाई हुई टेबल साइड से कट रही है और ये ठीक तरीके से नहीं आ रही है। तो हम पहले चेक करेंगे कि हमने अपने पेज सेटअप को किस तरीके से सेट किया है। इसके लिए हमें पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो पेज सेटअप करने के लिए आपको जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आपको पेज सेटअप ऑप्शन में कई सारे और ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर साइज़ है, प्रिंट एरिया है, ओरिएंटेशन है, मार्जिन है, ब्रेक्स हैं, बैकग्राउंड्स है, प्रिंट टाइटल्स है। फिलहाल हम पेज साइज़ और ओरिएंटेशन के बारे में जानेंगे। ओरिएंटेशन क्या होता है कि आप प्रिंटर में जो प्रिंट निकालेंगे वो पोर्ट्रेट निकलेगा या लैंडस्केप निकलेगा, यानी कि खड़ा खड़ा हुआ आएगा या आड़ा पेज। तो ये जो हमारी टेबल है ये हमने लैंडस्केप पेज के हिसाब से सेट करके बनाई है। तो हम यहाँ पर ओरिएंटेशन में लैंडस्केप को सेलेक्ट करेंगे। जब आप ये जैसे ही आप यहाँ पर लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक जो लाइन आ रही थी, ये जो पेज एरिया वाली लाइन आ रही थी, ये अपने आप आपकी टेबल के साइड में खिसक गई। पहले पहले क्या था, जब ये पोर्ट्रेट था तो ये लाइन इस तरीके से यहाँ बीच से होकर निकल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने लैंडस्केप सेलेक्ट किया तो ये लाइन अपने आप हमारी टेबल के लास्ट से होकर जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा ये जो टेबल है ये हमारे पूरी पेज पर डिस्प्ले होने लग जाएगी। यहाँ पर हम दोबारा प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। आप देखिए कि ये जो टेबल है ये अब मेरे पेज पर पूरी आ रही है। इसके बाद आता है पेज साइज। अब आप अपने प्रिंटर में कौन सा पेज साइज यूज़ करते हैं। अगर आप A4 आपके पास पेज है तो आप A4 को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास लीगल है तो आप लीगल को सेलेक्ट कर लीजिए। मार्केट में ये दोनों साइज़ बड़े आराम से मिल जाते हैं, लेटर भी मिल जाता है, लेकिन A4 और लीगल सबसे कॉमन साइज़ हैं। ये आपको बड़े आराम से मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप लीगल पे प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप लीगल को सेलेक्ट कर लीजिए। लीगल पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये जो आपके पेज वो और पीछे चली जाएगी, यानी आप इस पे और डेटा अभी फीड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये प्रिंट A4 पर ही लेंगे। अब आप हम दोबारा से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। ये टेबल हमारे पेज पर बिल्कुल फिट आ रही है। अब हम इसको प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के लिए या तो आप कीबोर्ड से सीधे सीधे कंट्रोल पी का यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रिंट प्रीव्यू से भी आप प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आपके सामने ये प्रिंट करने का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है प्रिंटर। आप जिस भी प्रिंटर को यूज़ करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाएगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रिंटर हैं तो आप उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर लीजिए जिस प्रिंटर से आप इसको प्रिंट देना चाहते हैं। जैसे मेरे पास कॉनिका मॉन्टिला का प्रिंटर है तो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आती है प्रिंट रेंज।
अगर आप चाहते हैं कि आप सारे पेजों को, यानी फिलहाल हमने अभी इसमें एक ही पेज बनाया है, अगर इससे भी ज़्यादा हमने यहाँ पर टेबलें बनाई हों जो और पेजों पे जा रही हों और हमको सारी निकालनी हो, तो हम प्रिंट रेंज में ऑल का यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम केवल पहले ही पेज का प्रिंट निकालें, तो इसमें हमको यहाँ पर ये डालना होगा फ्रॉम में पेज नंबर एक और टू में भी पेज नंबर एक, यानी पहले पेज से केवल पहले पेज तक ही प्रिंट निकले। अगर हम चाहते हैं पहले पेज से दूसरे पेज तक भी प्रिंट ये निकाले, तो हमें यहाँ पे पहले से दूसरा, यानी फ्रॉम वन से टू तक वो प्रिंट दे। और अगर हमें पहले पेज से तीन पेज तक का प्रिंट निकालना है, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे फ्रॉम वन टू थ्री, अगर यहाँ पर तीन पेज होते। इसी तरीके से जितने भी पेज रेंज हो आप यहाँ पर पेज रेंज डाल सकते हैं। अगर बीच के किसी पेज का प्रिंट निकाल लो, मानो पेज नंबर दो का प्रिंट हमें यहाँ पे देना है, तो हम यहाँ पर पहले में भी फ्रॉम में भी टू भरेंगे और टू में भी टू भरेंगे। ये तो हो गया प्रिंट रेंज के हिसाब से प्रिंट निकालना। अब यहाँ पर आता है प्रिंट व्हाट, यानी कि आप सेलेक्शन का प्रिंट निकालना चाहते हैं, आप एक्टिव शीट का प्रिंट निकालना चाहते हैं, या आप एंटायर वर्कबुक का प्रिंट निकालना चाहते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ सेलेक्शन का प्रिंट कैसे निकलता है। एक्टिव शीट, तो जिस शीट पर हम काम कर रहे हैं वो शीट एक्टिव शीट मानी जाती है, तो आप इस पर अगर एक्टिव शीट पर टिक लगाकर ओके कर देंगे, तो एक्टिव शीट पर जितने सारे प्रिंट हैं आपके प्रिंट रेंज के हिसाब से वो सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। अब बात आती है सिलेक्शन की, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर जो हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा था उसमें हमारा ये लोगो भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोगो प्रिंट ना हो, केवल हमारी टेबल प्रिंट होकर आए। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, प्रिंट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे सिलेक्शन। चेक करने के लिए एक बार हम प्रीव्यू और चेक कर लेते हैं कि हाँ वाकई में हमारा जो एरिया सेलेक्ट हुआ है वही प्रिंट निकलेगा या नहीं, तो इसको प्रीव्यू और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अब वो जो लोगो है वो लोगो प्रिंट में नहीं आ रहा, आपकी जो टेबल जो हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया वही प्रिंट आउट के लिए तैयार है। इसके बाद एक ऑप्शन और है यहाँ पर, एंटायर वर्कबुक। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं, तो आपकी एंटायर वर्कबुक, यानी कि आपकी वर्कबुक में जितनी सारी शीटें हैं वो सारी की सारी प्रिंट आउट हो जाएंगी। आपने ये मानिए हमने पहली शीट पे काम किया, अगर हमने दूसरी पे भी कोई टेबल बनाई होती है, तीसरी पे भी कोई टेबल बनाई होती, तो वो एंटायर वर्कबुक पर क्लिक करने से प्रिंट हो जाती। इसके बाद आता है ऑप्शन कॉपीज़ का, यानी आपको जो आपने टेबल बनाई है उनकी कितनी कितनी कॉपी चाहिए, हर टेबल की, हर पेज की कितनी कितनी आप कॉपी करना चाहते हैं, आप वो यहाँ पर भर दीजिए और वो कॉपियाँ अपनी निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद सिर्फ ओके करना है आपको और आपका प्रिंट तैयार। आशा है आप एक्सेल में प्रिंट निकालना सीख गए होंगे, पेज सेटअप करना सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।